can't help it, I want you. Yeah, you right, got my guy. But I can't help it, I want you. I can't stop and look the other way, cause I know it could be, babe, and you never feel the same. मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जो मेरा बॉक्स है आप देख सकते हो, इस बॉक्स में मेरे सारे 50 रुपीज़ के प्रोडक्ट है, जो भी मैंने 50 रुपीज़ या उससे कम में पर प्रोडक्ट मैंने खरीदा है। तो चलिए फिर मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेरे टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे मैंने 50 रुपीज़ में ही खरीदा है, उससे ज़्यादा के कोई भी प्रोडक्ट नहीं आपको मिलेंगे। और ये सारे प्रोडक्ट से मैं आपको आज एक बहुत अच्छा मेकअप लुक करके दिखाऊंगी। आप सबकी जो कन्फ्यूज़न होगी कि सिर्फ महंगे प्रोडक्ट से ही अच्छे मेकअप होते हैं, ये आज मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी, क्योंकि हम सस्ते प्रोडक्ट में भी उतना अच्छा मेकअप कर सकते हैं, बस हमारी स्किल्स, हमारा नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट है उससे ही हम बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मेकअप करके दिखाती हूं। सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने फेस को फेस वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गंदे फेस में मेकअप करोगे तो वो जो आपका मेकअप होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही वो इतना ग्लोइंग और उसकी स्टे रहेगी, क्योंकि वो तो आपके गंदे पसीने डर्ट वाले फेस में हुए हैं, आपने उसे निकाला नहीं डर्ट और पसीने को, और आपने उसी पे मेकअप कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा कि जितने भी मेकअप आप करोगे वो गंदे और पसीने के ऊपर वाले लेयर में रहेंगे, आपको और भी ज़्यादा पसीना आएगा, तो वो जो आपकी स्किन पे जो पसीने हैं वो उस मेकअप को उतार देंगे, इससे हमारा मेकअप जल्दी निकल जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमें गंदे फेस में ही मेकअप कर लेना है, आपको सबसे फर्स्ट स्टेप करना है आपके फेस को क्लींस करना है, जिसके लिए आप कोई सा भी अपना फेस वॉश यूज कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है कि आपको बहुत अच्छे से अपना फेस वॉश करना है। सो मैंने यहाँ पे अपना फेस वॉश कर लिया है, और मैंने फेस वॉश के लिए जो फेस वॉश यूज करा है वो है सीटाफिल का क्लींजर। आपको साइड में उसकी फोटो दिख रही होगी और उसका प्राइस वहाँ पे दिख रहा होगा। तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि हमें टोनर करना होता है, ठीक है। तो 50 रुपीज़ के अंदर आपको गुलाब जल बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसे एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो, आप उसे अपने हैंड पे लेके टैप टैप करके अपने फेस पे लगा सकते हो। एंड उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं वो होते हैं मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मॉइस्चराइज़र मस्ट है। अगर आप मॉइस्चराइज़र बिना लगाए आप अपने फेस पे मेकअप लगा लोगे तो वो आपका मेकअप फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैचेस दिखने लगेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए मेकअप में। हमें एक बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस चाहिए, इसके लिए हमें पहले मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। 50 रुपीज़ के अंदर आप ये निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अफोर्डेबल है और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आपके फेस को बहुत अच्छे से ये मॉइस्चराइज करता है। तो आज मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो सारे 50 रुपीज़ के अंदर होंगे। हमें मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे अच्छे से लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ लगाया आपका यहाँ नहीं लगा, यहाँ लगाया यहाँ नहीं लगा, पूरे फेस में इवनली मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मॉइस्चराइज़र हमारे फेस पे बहुत अच्छे से लग गए हैं, इसका चेक हम लोग कैसे करेंगे, आप अपने फिंगर को अपने फेस में ऐसे फेरो, अगर ये स्मूथली नीचे आती है दैट मीन्स कि आपका मॉइस्चराइज़र आपके फेस में मॉइस्चराइज़र अच्छे से लग गया है, और अगर आपके फेस से आपकी उंगली ऐसे खुरदरी खुरदरी होके आती है दैट मीन्स कि आपको और मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत है। तो आप मेरे फेस देखो, मैं ऐसे कर रही हूँ, ये स्मूथली बाहर नीचे आ रही है, ठीक है, मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो मेरी फेस बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हाइड्रेट हो गई है। अब हमें अपने लिप्स को हाइड्रेट करना है, तो लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, अंडर 50 रुपीज़ के ढेर सारे लिप बाम मिल जाएंगे आपको। मैं आपको बताऊंगी कि आप वैसलीन ले लो, 5 रुपीज़ में मिलती है, और इससे आप एज अ लिप बाम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको लिपस्टिक लगाने से पहले आपको लिप बाम लगा लेना चाहिए, जब भी आप फेस को मॉइस्चराइज करते हो तो आपको लिप्स को भी मॉइस्चराइजर देना चाहिए। सो अभी मैं लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए ये वैसलीन लगा रही हूँ, जो कि 5 रुपीज़ की आती है, हो गया। अब हम अपना मेकअप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर के बाद होता है प्राइमर, तो प्राइमर के लिए मैं अंडर 50 रुपीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये तो पतंजलि का एलोवेरा जेल, ये अंडर 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, ये प्राइमर का बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अभी मैं इसे लूँगी थोड़ा सा अपने हैंड पे, और इसे मैं अपने पोर्स पे लगाऊंगी, तो आपके फेस में जहाँ पे भी पोर्स है आप एलोवेरा जेल को वहाँ पे लगा सकते हो। और प्राइमर के बाद हमें क्या लगाना होता है, अगर आपके फेस में कहीं पे कोई पिगमेंटेशन है या फिर आपके कोई ऐसे पिंपल्स के दाग है या फिर आपका कोई ऐसा चीज़ है, मान लो तेल हो गया है, कील हो गया है, मुहासे हो गए, उसके जो भी दाग है, पिंपल्स हो गए, ऐसे कोई भी दाग है जिसे आपको कवर करना है, उसके लिए आपको कलर करेक्टर चाहिए। तो अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप कैसे बनाओगे कलर करेक्टर घर पे? मान लो कि कलर करेक्टर आपको मिल जाते हैं 300, 400, 500, इतने से वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 40-50 के कलर करेक्टर शायद नहीं आते हैं, मैंने सर्च करा था। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना फाउंडेशन ले लो,
ठीक है। मैं अभी आपको एक हैक बताती हूँ कि हम कलर करेक्टर घर पे कैसे बना सकते हैं। तो आप अपना फाउंडेशन ले लो। तो मैं आज फाउंडेशन के लिए अंडर 50 रुपीज़ में जो यूज़ करूँगी वो है ये पॉन्स का बीबी क्रीम, ठीक है। आपके पास जो भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कोई सा भी फेयर एंड लवली का भी बीबी क्रीम आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ पे ये बीबी क्रीम ले रही हूँ, ये मैंने फाउंडेशन ले लिया है। अब हम सबके पास कोई ना कोई आईशैडो पैलेट रहते हैं और रेड ऑरेंज ये सारे कलर उसमें रहते हैं। तो अगर आपको ऑरेंज कलर का बनाना है कलर करेक्टर तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये मेरा पैलेट है इसमें मेरे पास ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा सा मैं कहीं से क्रैक करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका ये पूरा क्रैक ही हो जाएगा, आप देखो कुछ भी नहीं हुआ, बट मैंने इतना सा कलर मैंने निकाला है और इसे हम अपने फाउंडेशन पे डाल देंगे। तो अभी मैं इसे मिक्स कर दूंगी। लाइट ऑरेंज ये मेरा बन गया क्योंकि मेरा लाइट पिगमेंटेशन है, देख सकते हो ऑरेंज टोन आ रहा है एकदम परफेक्ट। हमारा ये बन गया है करेक्टर, यहाँ पे है मेरे तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, ठीक है यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। अब ब्लेंड करने की बारी आती है कि हमें ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए 50 रुपीज़ के अंदर। ऐसे वाले स्पंज ले सकते हो, ये अब मुश्किल से मुझे 5-10 रुपीज़ के मिल जाते हैं और ये बहुत ओरिजिनल होते हैं। जहाँ जहाँ पे आपके ऑरेंज कलर के करेक्टर आपने लगाए हैं आपने उसे पूरा ब्लेंड नहीं करना है, मतलब कि हाँ वो बहुत ज़्यादा पैची लुक ना दे। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये, तो ये पॉन्स का बेबी क्रीम है अंडर 50 रुपीज़ में, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, डिस्काउंट के बाद आपको 50 रुपीज़ की ही मिलेंगे। तो मैं इसे ले रही हूँ अपने हैंड पे, मैं डॉट कर रही हूँ। इसे ब्लेंड करेंगे, पहले हम अपना फेस करते हैं उसके बाद हम नेक को करेंगे, ठीक है। तो अभी फेस को हम ब्लेंड करते हैं इससे। आपको नेक को और कान को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि आपका फेस गोरा और कान और नेक काले लगने लगेंगे, इसलिए आपको इवनली पूरे फेस और नेक जितना आपका पार्ट दिख रहा है उसे आपको एक टोन का करना है। तो ये मैंने बेस कर लिया अपना, ठीक है। तो बेस कर लेने के बाद हमें इसे सेट करना होता है क्योंकि मैं ब्लश और कॉन्टोर पाउडर यूज़ करूँगी, इसलिए मैं पहले अपने फेस को सेट करूँगी। तो अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाइट टोन का फेस पाउडर, ये भी अंडर 50 रुपीज़ के है और ये बहुत अच्छा लूज पाउडर का काम करता है। तो हम इसे अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ करेंगे। देखो आप, ये इतना छोटा सा ब्रश है, ये पाउडर ब्रश है और ये मैंने 20 रुपीज़ में ख़रीदा है और ये ब्यूटी सीक्रेट्स की ये ब्रश है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो या फिर आप कहीं से मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो। तो इससे मैं अपने पाउडर करूँगी अपने फेस को, ताकि मेरा बेस सेट हो जाए। मैंने अपने बेस को सेट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम करेंगे कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर, ठीक है। तो कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आई शैडो पैलेट होता है हम उसे यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को करने। कोई सा भी आई शैडो पैलेट हो 50 रुपीज़ के अंदर आप स्टोर में जाओगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो अंडर 50 रुपीज़ आप सर्च करके आपको ढेर सारे आई शैडो पैलेट मिल जाएंगे। एक आई शैडो पैलेट मैंने लिया है जो अंडर 50 रुपीज़ के मुझे मिले हैं, इसकी कोई ब्रांड नहीं है बट ये इसमें काफ़ी अच्छे कलर आपको मिल रहे हैं। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, सिमर कलर है, हाइलाइटर कलर है, ढेर सारे इसमें कलर आपको मिल रहा है। ये अंडर 50 रुपीज़ के मैंने खरीदे हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि अभी मुझे कॉन्टोर करना है, तो इसमें से आप देख सकते हो ये ब्राउन कलर इसमें है, तो मैं इसमें से ब्राउन टोन लेकर अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर हमें अपने फेस को स्लिम दिखाने के लिए करना चाहिए। अगर आपका भी फेस मेरी तरह गोल मटोल बहुत चबी है तो आप कॉन्टोर कर सकते हो अपने फेस को स्लिम दिखाने के लिए। ये हमने एक यहाँ करना होता है, एक जॉ लाइन पे करना होता है, एक नोज़ पे करना होता है, एक फोरहेड पे करना होता है। अब हम नोज़ पे कैसे करेंगे, अब हम इतना लगा लेंगे, इतना मोटा कर लेंगे इसे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें इसे ऐसे दबा के आप देखो इतना पतला कर लेना होता है। अब मिरर में देख के आप इसे करो क्योंकि ये आपके बेस को ख़राब ना करें। तो ये जो ब्रश है इससे भी आप ब्लेंड कर सकते हो। ये देख रहे हो आप मेरा लिफ्टेड फेस, ऐसे आपको क्या होगा एक लिफ्टेड इफेक्ट मिलेगा कॉन्टोर करने से। कॉन्टोर कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, ब्लश लगाएंगे, ठीक है। तो ब्लश अंडर 50 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आई शैडो पैलेट को ऐसा ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक आई शैडो पैलेट है, आप इसमें क्या देख रहे हो, ये हाइलाइटर का काम करेगा, है ना, और ये मेरे ब्लश का काम करेगा। अगर आपको ऑरेंज लगाना है तो आप ऑरेंज लगा सकते हो, अगर आपको पिंक लगाना है तो आप पिंक लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं पहले अपने फेस को सेट करूँगी, ये हाइलाइटर का कलर है उससे।
कि जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है मैं इस वाले शेड को ले रही हूँ और फिर मैं अपने फेस पे हाईलाइट होगी और आपका क्रीज पे जो लाइनिंग पड़ जाती है, आपका प्रोडक्ट जम जाता है, वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से मेरा प्रोडक्ट जम जाता है, हमारे प्रोडक्ट की जमने की प्रॉब्लम होती है कि हमारे फेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट जम जाते हैं, और ज़्यादातर कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारी स्किन थोड़ी सी मुड़ रही होती है, जैसे हमारे फेस हम बोलते हैं तो ये वाला हमारा ये आगे पीछे हो रहा है, इससे क्या होता है कि यहाँ पे लाइनिंग आगे पीछे होती रहती है। तो ये वाली जो लाइनिंग्स है यहाँ पे हमें प्रोडक्ट को अच्छे से सेट करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अपने फेस को ऐसे आप मंकी फेस बनाना होता है हमें, तो हम मंकी फेस बनाएंगे पहले। और अब हम यहाँ पे करना है हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्रीज बन जाती है, लाइनिंग्स आ जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट जम जाते हैं, तो हमें यहाँ पे अब क्या करना होगा, हमें एकदम ऊपर देखना है, सीलिंग को देखना है, खुल के टाइट हो जाएगा, तो अब हमें यहाँ पे पाउडर से सेट कर देना है, ठीक है। तो अब हमारा फेस बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हो मेरा फेस कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मैंने कोई सस्ता वाला प्रोडक्ट यूज़ करा है। जो फिनिशिंग और जो लुक मैं महंगे वाले प्रोडक्ट यूज़ करके लाती हूँ, वही मैंने 50 रुपीज़ के प्रोडक्ट से लाई हूँ। आप देख सकते हो मेरा बेस, मेरा कॉन्टोर सब कुछ नज़र आ रहा है। तो अब हम कॉन्टोर को थोड़ा और डार्क भी कर सकते हो और थोड़ा लाइट भी रख सकते हो, क्योंकि मुझे लाइट पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा लाइट करती हूँ कॉन्टोर को, क्योंकि उससे मेरा फेस डार्क लगने लग जाता है। अब हम ब्लश करेंगे, तो ब्लश के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप अपना आई शैडो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्यों अलग से आई शैडो खरीदना, अगर आप थोड़े थोड़े किसी किसी दिन मेकअप करते हो तो आपको इतने सारे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने एक आई शैडो पैलेट ले लेना है, एक बेबी क्रीम ले लेना है, और दो चार चीज़ें हैं जो आपको अपने पास रखना है, उससे आपका बहुत अच्छा मेकअप हो सकता है, आप अगर ये ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो अभी मैं ये पिंक वाला शेड ले रही हूँ और इसके साथ मैं हल्का सा ऑरेंज वाला शेड मिक्स करूँगी, पिंक ऑरेंज, पिंक ऑरेंज, पिंक ऑरेंज, पिंक ऑरेंज। ये मेरा एक बहुत अच्छा सा ब्लश का शेड बन गया, आप देखो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। देख रहे हो आप कितना अच्छा सा शेड बना है, 20 रुपीज का प्रेस है, इससे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी, क्योंकि ये फर इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड कर रहा है चीजों को। ब्लश लगा लिए हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा सा टिंटेड इफेक्ट आ रहा है मेरे फेस में। आपने अगर ऊपर फोरहेड पे चला गया तो आप उसे ऐसे मिटा भी सकते हो, ठीक है। अब ये ब्लश लग गया, अब हम हाईलाइटर लगाएंगे, हाईलाइटर लगाएंगे तो अब हम हाईलाइटर के लिए अपना ये वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने 50 रुपीज़ के अंदर ख़रीदा है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे शेड है, तो इसमें से आप देख सकते हो ये वाला जो शेड है ये है सिमर शेड, आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। देखो ये वाला जो हाईलाइटर है ये गोल्ड है और ये सिल्वर है, तो अगर आप फेयर टोन में आते हो तो आपको ये हाइलाइटर यूज़ करना है, और अगर आप मीडियम टू डस्की स्किन में आते हो तो आपको ये वाला हाइलाइटर यूज़ करना है, गोल्डन वाला। तो अभी मैं सिल्वर वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो हम हाइलाइटर को अपने फिंगर से कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमें जस्ट अपने हाई पॉइंट पे हाइलाइटर लेके अपने यहाँ पे लगाना होता है। आप देख रहे हो ये पार्ट मेरा कितना ग्लो कर रहा है। अब दी नोज पे भी हाइलाइटर लगाने होते हैं, आप वहाँ भी लगा सकते हो। तो आईज़ के लिए मैं आपको अंडर 50 रुपीज़, ये आपको 10 रुपीज़ में स्मूली मिल जाएंगे किसी भी मार्केट में, आईब्रो को कॉम कर सकते हो। मैंने 10 रुपीज़ की आईब्रो पेंसिल खरीदी हुई है, तो अब मैं इसे अपने आईब्रो को सेव दूंगी। तो अब मैंने आईब्रो भी कर लिए हैं जो मैंने 10 रुपीज़ की आईब्रो पेंसिल से करी है, तो यहाँ पे भी आपके पैसे बच गए ढेर सारे। अब हमें क्या करना है, अपनी आई को करना है, आई मेकअप करना है, ठीक है। तो आई मेकअप हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा जो आई सेट हो, जो भी आपने लिया है, आपको 10 रुपीज़ 50 रुपीज़ में ढेर सारे मेकअप के ब्रशेज मिलते हैं, या फिर आप पूरा सेट ले सकते हो 50 रुपीज़ में, वो भी मिल जाते हैं। तो ठीक है, मैंने कोई सा भी एक ब्रश ले लिया मान लो, ठीक है। अब हमें इसमें सबसे लाइट शेड उठाना है, ठीक है, उससे हम अपने आईज़ को कंसील करेंगे। तो ये मेरे पास जो आई शैडो पैलेट है, इससे हम अपने आईज़ को पहले कंसील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे लाइट शेड है मैं वो ले रही हूँ, और उससे मैं अपने आईज़ को पहले कंसील करूँगी, अपने आईज़ को मैं सेट करूँगी, पाउडर सेट करूँगी पहले मैं, ताकि जो भी हमारा बेस वगैरह जो भी यहाँ पे जम गया हो या फिर अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ हो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये जो स्पंजी वाला ब्रश होता है इसे आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला। इसमें हम सबसे लाइट शेड का जो है वो हम पहले लगाएंगे इनर कॉर्नर पे, सबसे लाइट वाला शेड, आप देख सकते हो सबसे लाइट शेड ये है, तो इसे हम इनर कॉर्नर पे लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें उससे डार्क जाना है थोड़ा सा, उससे डार्क थोड़ा सा ये वाला गोल्डन कलर है, तो हम इसे लेके अपने आईज़ पे लगा लेंगे, ठीक है। ये मैंने सिल्वर गोल्डन, अब हमें इससे थोड़ा सा डार्क ये कलर लग रहा है, तो अब हम ये कलर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा डार्क हम जाएंगे ये वाला कलर, इसको भी हम लगाएंगे,
ये मैंने 4 कलर लगा लिए हैं। अब जो सबसे लास्ट वाला जो कलर है वो हम लेंगे ये वाला कलर, ठीक है, इसे हम अपने आउटर कॉर्नर पे लगा लेंगे। ये बहुत ही इजी ट्रिक्स है आपको बहुत अच्छा आईशैडो करने का। क्या करना है, छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, तो मैंने ये छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इससे मैं अपने ब्लैक कलर को ही सिर्फ ब्लेंड करूंगी। हमें पूरा आईशैडो इससे नहीं ब्लेंड करना है, इससे हमें सिर्फ ब्लैक कलर को ब्लेंड करना है। जो आपका पहले का जो भी ब्रश है, क्लीन ब्रश जिसमें डार्क कलर ना लगाओ, उससे आप अपने इनर कॉर्नर से लेकर ब्लैक तक को ही ब्लेंड करना। आपको ब्लैक के अंदर घुसना नहीं है, ठीक है, ब्लैक को बस टच करना है। इनर कॉर्नर वाले शेड को ब्लेंड कर ले हैं, अब देखो कितना अच्छा सा एक गोल्डन सा इफेक्ट आ रहा है। एंड उसके बाद हम ब्लैक वाले जो मेरा है, उसके बाद हमारा जो ब्लैक कलर है हम उससे ब्लेंड कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ये स्मूथ करना। अब ये आप देख सकते हो ये कितना अच्छा सा लग रहा है, कितना अच्छा आई मेकअप लग रहा है। आप देखो ये आईज और ये आईज में कितना डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। बट आपको इसे थोड़ा और फिनिशिंग करना होगा कि ब्लैक कलर आपका यहाँ पे एक अच्छा सा शेप में लगे, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा ना लगे। आप देख सकते हो ये आई मेकअप मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करा, बट ये आई मेकअप कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इस वाले आईज पे भी ऐसा ही किया है, ये आई मेकअप मैंने कर लिया। अब हमें इसमें थोड़ा बहुत और कुछ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सिल्वर वाला है इसे हम इनर कॉर्नर पे लगा लेंगे, ठीक है। इनर कॉर्नर पे लगाने के बाद इसे हम अपने ब्रो बोन पे भी लगा लेंगे, ताकि यहाँ पे हमारा साइन सा लगे, ये हाईलाइट हो। अब हमें क्या करना है, लाइनर चाहिए, लाइनर अंडर 50 रुपीज। तो लाइनर के लिए मेरे पास है ये लैक्मे का लाइनर, ये आपको मुश्किल से 40-50 रुपीज की मिल जाती है। ये मैंने लाइनर लगा लिए हैं, ठीक है, बस इतना ही हमें चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें मस्कारा लगाना है, तो मस्कारा हमें चाहिए अंडर 50 रुपीज़। तो अगर आपके पास मस्कारा नहीं है तो मैं आपको एक और हैक बताती हूँ, ठीक है। कूली होता है, इसमें आप लाइनर लगा लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे है, अब हम इससे मस्कारा लगाएंगे। अब देख सकते हो ये बहुत अच्छा मस्कारा का काम कर रहा है। लैसेस लगाना है, तो अंडर 50 रुपीज लैसेस भी मिलती है ऑनलाइन। आप सर्च करो अंडर 50 रुपीज लैसेस, आपको कुछ इस टाइप की लैसेस मिल जाएगी अंडर 50 रुपीज, ठीक है। तो ये मैं लैसेस लगा रही हूँ। अब तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैसेस निकालते हैं, लैसेस टूट जाती है, क्योंकि आपका निकालने का तरीका ही गलत होता है। तो हमें क्या करना है, ये लैसेस का देखो ये पैकेट होता है, इसे हम निकाल लेना होता है। एंड हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर लिए हम इसे। अब ये लैसेस का जो बीच है उसे हमें पकड़ के इसे ऐसे निकालना होता है। आप साइड से निकालोगे इधर मुड़ जाएगी, इधर से निकालोगे इधर मुड़ जाएगी, इसलिए हमें लैसेस को हमेशा ऐसे बीच से खींच के निकालना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आपको, बस हल्का सा प्रेशर में ये निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें भी ग्लू लगाएंगे। तो ये मैंने लैसेस भी पहन लिया अंडर 50 रुपीज़। मैंने 10 रुपीज़ में ये काजल लिया है, अब मैं इसे काजल लगाऊंगी, ठीक है। अंडर 50 रुपीज़ में मैंने ये इनसाइड की लिपस्टिक खरीदी है। आप देखो ये कितनी अच्छी सी इनसाइड की लिपस्टिक है और इसका शेड बहुत अच्छा है, ठीक है। लिपस्टिक लगा लिया है, सब कुछ हो गया है मेरा, ये कंप्लीट मेकअप हो गया। अब मैं आपको इस मेकअप को थोड़ा और अच्छे से दिखाती हूँ, ताकि ये मेकअप आपको देखकर बहुत अच्छा लगे, ठीक है। इसके लिए अब मैं हेयर करूंगी, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये मेकअप कितने अच्छे से और कितने कम प्रोडक्ट में हुआ है। आप देख सकते हो ये मैंने बहुत थोड़े प्रोडक्ट यूज़ करे, बहुत ही चीप वाले प्रोडक्ट है और बहुत कुछ भी महंगा इसमें नहीं है। ये मैंने आई मेकअप भी कर लिया, फेस मेकअप भी कर लिया, लिपस्टिक भी मैंने लगा लिए, ये सारा मैंने 50 रुपीज़ के अंदर वाले प्रोडक्ट में किए हैं। तो अब मैं आपको अपना हेयर दिखाती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो मैं अब वापस आती हूँ हेयर करके। तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी, ठंडे की बोतल में तेरा अपना तुझे घट घट मैं पी लूं, कोका कोला तू।